ठीक है सर, तो आज मैं फिर एक नया क्वेश्चन डील कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस से है। अगर हम एग्ज़ाम मार्क्स की बात करें तो ये मार्क्स में आएगा 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और बच्चों को बहुत डर लगता है हाइट एंड डिस्टेंस से भी। ठीक है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में अगर हम बताएं टेक्निक, तो सर सबसे बड़ा टेक्निक काम करेगा हाइट एंड डिस्टेंस में आपको अंडरस्टैंडिंग टेक्निक्स। अंडरस्टैंडिंग टेक्निक्स मीन्स सबसे पहले ज़रूरत है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, क्वेश्चंस को बारीकी से पहले पढ़ें। अगर क्वेश्चन आप बारीकी से पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि 60 से 70% क्वेश्चन आप वहीं सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और जो 10 से 20% जहाँ गड़बड़ होने की चांस है, वह आपको फिगर बनाने में जो गड़बड़ होगा। तो अगर आप क्वेश्चन का टेक्निक पकड़ लिए तो आपका फिगर भी सही बनेगा, और जब फिगर सही बन गया तो सर आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 10% उस फिगर के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट कीजिए और जो फाइंड करना है उसको नोट डाउन कीजिए और बना दीजिए। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि स्क्रीन पर साफ साफ ना दिखे, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे टेक्निक को बस पकड़ लो। अगर तुम टेक्निक को पकड़ लोगे तो सर गारंटी है मेरी कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज है उसकी एक पॉइंट से। मान लेते हैं कि सर ये आपका, मान लेते हैं कि ये ब्रिज है, सॉरी ये रिवर है, पॉइंट है, सपोज डैट। ठीक है, अभी मत बनाओ, अभी पहले क्वेश्चन को एक राउंड पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या क्या कलेक्शन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन समझ रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन तब जब नीचे से ऊपर देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब जब ऊपर से नीचे देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। क्लियर है? तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। मतलब कि सर जी अगर ये रिवर है तो रिवर का दो पॉइंट्स हैं, अगर रिवर है तो बैंक्स हैं, दो पॉइंट्स हैं। क्या रिवर चौड़ी रिवर है? चौड़ी रिवर है तो जब चौड़ी रिवर होती है तो सर उसका तो विध होगा कुछ ना कुछ, तो उस दोनों विध को देखा जा रहा है ऊपर से, एक बार नीचे देख रहे हैं, एक बार नीचे देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्लियर? इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से ब्रिज की जो हाइट है वह है 3 मीटर, ब्रिज की जो हाइट है बैंक से, ये रिवर बैंक है, और मान लेते हैं ये आपका ब्रिज है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रिज जा रहा है इस तरह से रिवर के ऊपर, ठीक है ना, इस तरह से ब्रिज जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से क्या करते हैं, आपको रिवर की दोनों विध की तरफ देखते हैं, दोनों चौड़ाई की तरफ देखते हैं। तो फाइंड द विध ऑफ द बैंक रिवर, आपको ये रिवर बताना है, रिवर का विध बताना है। क्या क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर एक आपका पॉइंट है ब्रिज का, उस पॉइंट से क्या करते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं दोनों साइड पे, अपोजिट साइड पे। तो सर एक बार यहाँ बना देते हो, ठीक है, एक बार तुम यहाँ बना दो, है कोई दिक्कत, और एक बार यहाँ बना दो, है कोई दिक्कत। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक ले लो 30 डिग्री, एक ले लो 60 डिग्री, है कोई दिक्कत। हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द रिवर बैंक इज 3 मीटर, इसको 3 मीटर रख लो, कोई दिक्कत फोटो को समझने में, फिगर को समझने में। ये रिवर बैंक है, ये रिवर बैंक है, और ये आपका ब्रिज है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट से नीचे। तो सर एक मैथ का एक कॉन्सेप्ट है कि जब दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। बाई विच मेथड? एंगल ऑफ याद करो, रिवाइज करो, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो सर देख लो यहाँ पर भी ये ब्रिज और ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये आपको बाइसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्जल एंगल का काम कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे। तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। बोलो आपको बताना है विड ऑफ द बैंक। आप नामांकन चालू कर दो, यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो, यहाँ डी ले लो। बोलो जाए, ये बनेगा क्वेश्चन।
क्या क्या गिवेन है उसको नोट डाउन कर लो, फिगर बन गया, उसको नोट डाउन कर लो, क्या क्या गिवेन है जी आपको। गिवेन है सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द क्या हाइट ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ द 3 मीटर, मतलब सी डी इज इक्वल टू 3 मीटर। आपको बताना है डिस्टेंस विद ऑफ द रिवर, मीन्स आपको बताना है ए बी इज इक्वल्स टू वाट। क्लियर सर? इसी तरह बनाना। कैसे बनाओगे? इसी तरह बनाना, पहले फिगर बनाना अच्छे से, फिगर के बाद सब नोट डाउन करना, फाइंड गिवेन जो भी है सब नोट डाउन कर लेना, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन लिखना इस तरह से। ठीक है ब्रदर, नज़र आ रहा है तुमको दो ट्रायंगल? बोलो ये 90 डिग्री होगा ही होगा, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हाइट है आपका वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब चलोगे तुम ट्रायंगल एबीसी में, बोलो एबीसी में चलोगे, सॉरी एडीसी में चलोगे, तो डीसी तुमको पता है 3 मीटर, इसका यूज करके तुम एडी निकाल लो, और तुमको थीटा दिया हुआ है तो तुमको एडी निकालना है, और डी सी डी दिया हुआ है, सुनो ध्यान से, एडी निकालना है, सी डी दिया हुआ है, और एंगल ए थीटा है 30 डिग्री है, तो 30 के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो बचा कुचा क्या, बेस, तो पी बाई में बी टेन थीटा याद आ रहा है, चलो टेन सॉरी सॉल्यूशन में चलो, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर है? देयरफॉर बाई टी रेशियो चलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी बाई में बी, तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे सी डी है अपॉन में ए डी, तो टेन 30 आई होप आपको पता होगा 1/√3 इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सी डी पता है 3 मीटर लगा लो 3 मीटर, ए डी नहीं पता है, ए डी को एज इट इज रहने दो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, तो ए डी इंटू वन, ए डी वन जा ए डी, कैसे 2 1 जा 2 3 1 जा 3 9 1 जा 9 n 1 जा n राम 1 जा राम, तो आपका ए डी 1 जा AD। ठीक है देन 3√3 मीटर, क्लियर हो गया? तो सर ए डी तक पहुंच चुके हैं, अगर हम ए डी और बी डी को जोड़ दें तो ए बी नहीं निकलेगा, अगर हमको ए बी निकालना है तो ए डी प्लस बी डी जोड़ दो, ए डी निकल जाएगा। अब कहाँ चलेंगे? अब फिर चलेंगे इन ट्रायंगल किसमें, ए डी सी में गए ना, तो बी डी सी में चलो, एंगल डी 90 डिग्री, तो बाई पाइथागोरस पाइथागोरस दिमाग में नाम रहता है मेरे, बाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या लिखोगे, टेन 60 डिग्री है ना, अच्छा दोनों जगह 30 डिग्री कर दिया हूँ मैं, सॉरी तो यहाँ 60 कर देता हूँ, ओके टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पेंडिकुलर कौन सा होगा बाबू, बोलो पी क्या होगा, पी आपका होगा थीटा का अपोजिट, मतलब सी डी है आपको, तो सी डी लिख लो यहाँ पे, पी वाई में बी, बी क्या होगा, बी क्या होगा, बी डी होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो बी डी लिख लो, टेन 30 आपको √3, सी डी कितना है 3 मीटर, अपॉन बी डी कितना है आपका, बी डी बताओ, बी डी नहीं पता है तो बी डी को बी डी रहने दो, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो बी डी इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3 मीटर, बट हमको बी डी को सेपरेट करना पड़ेगा, तो बी डी इज इक्वल टू 3/√3 मीटर, यस और नो, और आपका डिनोमिनेटर में √3 है तो इसको तुम क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे, √3 × √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्या हो गया, बी डी इज इक्वल्स टू 3√3/3, 3 कैंसिल हो गया, √3 मीटर हो गया, हो सकता है, बात समझ में आ रही है, आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारा शेयर कर दीजिए। चलिए अब कहाँ, ए बी की तरफ, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी और प्लस बी डी, ए डी आपका है 3√3 और बी डी है आपको √3, बात समझ में आई, √3 3√3 और 1√3 हो जाएगा 4√3, तो 4√3 क्या चीज़ है, मीटर, देयरफॉर द विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल्स टू
4 √3 मीटर, ये भी आंसर सही है। अगर रूट थ्री का वैल्यू बैठा देते हो 1.732 तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो भी सही है। बात समझ में आया? क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनाना और ऐसे ही बनाना, ठीक है। अच्छे अच्छे वीडियो के से जुड़ने के लिए अशोकानंद चैनल को ढेर सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।